नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस। तो क्या क्या है इस पूरे सिलेबस में, हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, किस किस पार्ट से कितने कितने मार्क्स आएंगे, तो वो सारा चीज जानने वाले हैं इस वाले वीडियो में। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है इसमें और उसका पूरा थोड़ा सा डिटेल भी लेके चलेंगे कि हर एक चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो उसके बारे में भी हल्का हल्का देखते चलेंगे क्या क्या पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो ये है आपके सामने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लास 10th का ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th साइंस का। तो इसमें हमें 5 यूनिट में डिवीजन किया गया है, पूरे जो चैप्टर्स हैं जितने पूरे बुक को 5 यूनिट में डिवीजन किया गया। तो 5 यूनिट क्या क्या हो गए, तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये वाला केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, यह केमिस्ट्री वाला पार्ट ये हो गया, इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी वाला पार्ट, जिसको इसने यूनिट से नाम दिया है वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स में भी 25 नंबर का बायोलॉजी का पार्ट आता है यहाँ पे। इसके साथ साथ एक और जो 5th पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी बायोलॉजी में भी आ जाता है, तो ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। टोटल हो गया 30 नंबर का बायोलॉजी का पार्ट इसमें होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का 25 नंबर और बायोलॉजी का 30 नंबर। उसके बाद आता है फिजिक्स वाला पार्ट। तो फिजिक्स वाला पार्ट नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों पार्ट 12 नंबर और 13 नंबर दोनों मिला के, ये दोनों यूनिट मिला के हमारा है फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो 25 मार्क्स का केमिस्ट्री है, 25 मार्क्स का फिजिक्स है और बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल नंबर आ जाते हैं 80। और जो टोटल पेपर होता है साइंस का, वो जैसा कि आप जानते हैं 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है, इंटरनल असेसमेंट आता है। जो थ्योरी पेपर होता है वो टोटल हो जाता है 80 मार्क्स का, ओके। तो 80 का डिवीजन ये हो जाता है, तो 80 का सीबीएसई के द्वारा जो डिवीजन किया गया है, तो यूनिट्स के वाइज में किया गया है। तो केमिस्ट्री से 25 मार्क्स, बायोलॉजी से 30 मार्क्स और जो फिजिक्स है उससे 25 मार्क्स। तो ये मेरा पूरा डिवीजन हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो इसमें सिलेबस भी कुछ कम किया गया, तो वो सभी हम लोग डिस्कस। टोटल अब पहले 16 चैप्टर होते थे, अब इसमें टोटल 13 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो 4 चैप्टर केमिस्ट्री से, 4 चैप्टर फिजिक्स से और बायोलॉजी से 5 चैप्टर है। तो ये है, तो अब लेके एक चैप्टर को इसमें भी हल्का सा देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला वाला जो यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इसमें टोटल 4 चैप्टर आ जाते हैं, जैसे चैप्टर का भी यहाँ पे आप नाम लिख दिया है इसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एसिड बेस साल्ट है, तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है और 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस्ड करेंगे, तो वो भी इसमें पढ़ना है। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इम्प्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पूरा बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को और उसको किस तरह से लिखते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और इस तरह पे आपको प्रैक्टिस भी करना है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, फिर एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या होता है, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको इंडोथर्मिक कहेंगे। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये सारे चीज इसमें पढ़ना है आपके पहले वाला चैप्टर में, ओके। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया। अब दूसरा चैप्टर आता है एसिड बेस साल्ट, ठीक है। तो एसिड बेस साल्ट में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के बारे में, H+ और OH- आयन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एसिड बेस साल्ट के बारे में उसको पढ़ना है। फिर न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ना है। फिर पीएच स्केल क्या होता है, जिससे हम लोग एसिड बेस को नापते हैं, जैसे 1 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है, तो 1 जो 7 होता है वो न्यूट्रल का हो जाता है। वही अगर जो 1 की तरफ, जैसे 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और वहीं पे अगर 14 की तरफ जाएंगे 7 से, तो वहां पे बेसिसिटी बढ़ती चल जाएगी। तो ये चीज इसमें कंसेप्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में जैसे लेमन जूस का कितना होगा, ब्लड का कितना पीएच होगा, मिल्क का कितना पीएच होगा, सॉइल का कितना पीएच होगा, तो ये सब चीज भी हमें इसमें जानना है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे इसका यूजेस है, क्या क्या इसका। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज, कैसे प्रिपरेशन, ये सब जानना है। फिर उसी तरह से बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सब के बारे में भी हमें जानना है, इसका प्रिपरेशन क्या है, यूज क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाते हैं, ये सब चीज इसमें हम लोग को जानना है। अब हम लोग का 3rd चैप्टर आ जाता है केमिस्ट्री का, यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल हमें पढ़ना होगा।
ठीक है। उसके बाद इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जो हो जाते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम हो गया, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड हो गया, बीच में हाइड्रोजन आता है। तो उस तरह से कौन कौन सा उसमें पूरा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना, कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वो सब चीज इसमें पढ़ना है। फिर कुछ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस भी पढ़ना है, जैसे जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, आयरन का कैसे करते हैं, मर्क्यूरी का कैसे करते हैं, ये सब कुछ कुछ है जो उसमें पढ़ना है। उसके बाद उसमें पढ़ना है हमें कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन कैसे होता है, मतलब किसी चीज में जंग, आयरन में देखिए आप जंग लग जाता है तो कैसे जंग लगता है, उसका पूरा फिनोमेना पढ़ना है, साथ साथ उसको कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, तो ये भी चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है। ओके, उसके बाद आ जाता है अपना चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये थोड़ा लंबा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। कोवेलेंट बाउंड इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में जो कोवेलेंट बाउंड होते हैं वो सब हमें इस पर पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है, कार्बन के चार बॉन्ड्स बनते हैं तो उसके कारण इसके वर्सेटाइल नेचर हो जाता है, इसमें काफी सारे इससे कंपाउंड बन जाते हैं, तो यही सब इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज में पढ़ना है, जैसे अल्कोहल का जो होमोलोगस सीरीज हो गया, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब चीज इसमें पढ़ना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में हमें पढ़ लेना है, हैलोजन्स के बारे में पढ़ना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद अल्कोहल हो गया, OH ग्रुप, कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड, अल्केन, अल्कीन, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला और डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें इसमें जानना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को उस कार्बन कंपाउंड के पढ़ने हैं, जिसमें कि कंबसन हो गया, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हमने जो ये वाला जो पहला वाला पार्ट था केमिकल रिएक्शन में, जो नॉर्मल मेटल्स के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एडिशन जो रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे, उस तरह से इसमें कार्बन कंपाउंड में क्या 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 कंबसन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो वो कार्बन एंड इस कंपाउंड का पढ़ना है। फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक अलग से आ जाता है इसमें कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, कहने का मतलब उसका सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स है, हाइड्रोफिलिक टेल्स जो सोप के हो जाते हैं, कैसे वो डर्ट को रिमूव करता है, तो ये सब सारा कंसेप्ट इसमें पढ़ना है, काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद अगला आ जाता है बायोलॉजी वाला थीम, ठीक है, तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें भी चार चैप्टर है यहाँ पे, और फिर एक लास्ट चैप्टर जो एनवायरनमेंट वाला है वो लास्ट में आया। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेस में बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है यहाँ पे, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और इन प्लांट्स एंड एनिमल। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम लोग को पूरा ह्यूमन का पढ़ना है, फिर प्लांट में कैसे होता है वो भी देखना है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन वाला पार्ट में पूरा पढ़ना है, ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है, प्लांट और एनिमल दोनों में क्या क्या होता है। एक जो ह्यूमन बींग्स वाला जो है वो तो पूरा डिटेल में है, लेकिन प्लांट्स वाला भी है, पूरा डिटेल नहीं है लेकिन लाइटली इसको पढ़ते हुए निकल जाना है। फिर ये वाला पार्ट इसमें हो गया। उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो छठा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाला हो गया, छठा चैप्टर हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम मेनली पढ़ना है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब क्या होता है, इससे काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये सब चीज इसमें पढ़ना है। मूवमेंट इन प्लांट कैसे होता है, तो प्लांट, उसके बाद साथ इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन कौन कौन से हो गए, एनिमल हार्मोन्स मतलब ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो वो सब भी इसमें हमें डिस्कस करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में। उसके बाद सातवां चैप्टर आ जाता है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो जितने अमीबा इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन से कैसे होना, फ्यूजन से कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो सब जो छह सात कॉन्सेप्ट है, तो वो सबको डिटेल में हम लोग जानना है। उसके बाद जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फिर सेफ सेक्स, एचआईवी एड्स के बारे में पढ़ना है, फिर वुमेन हेल्थ, चाइल्ड केयरिंग के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो ये भी है इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन है इंपॉर्टेंट चैप्टर, से काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर अगला चैप्टर इसका आठवां चैप्टर आ जाता है हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट तो खत्म हो गया, सिर्फ अब चैप्टर का नाम हेरिडेटरी बचा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन है ही नहीं, इसमें खत्म कर दिया, तो हेरिडेटरी वाला में बहुत शॉर्ट चैप्टर हो गया, कुछ इसमें बचा नहीं है ज्यादा कुछ। तो मेंडल्स लॉ पढ़ना है, और क्या इसमें मेंडल्स लॉ क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टेस्ट होता है, तो क्या हमें इनहेरिटेंस में क्या क्या लॉ जो मिले, तो वो चीज इसमें हमें डिस्कस करना है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो चीज इसमें डालना है, और इसमें हल्का इंट्रोडक्शन लेके चलना है। काफी पहले ये काफी लंबा चैप्टर हुआ करता था इवोल्यूशन के एडिशन के कारण, लेकिन अब ये बहुत छोटा चैप्टर हो गया, एक दो क्लास में ही खत्म हो जाएगा।
अब यहां से फिर शुरू होता है फिजिक्स वाला पार्ट। एक चैप्टर इसका जो एनवायरमेंट वाला है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, सबसे आखिरी चैप्टर है। तो अब यहां से फिजिक्स वाला पार्ट शुरू होता है, फिजिक्स वाला पार्ट यहां पे नेचुरल फिनोमेना में यहां पे। तो यहां पे दो चैप्टर आ जाता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो पहला ये जो नाइन्थ चैप्टर है यहां पे, ये तो मिला के दे दिया है पूरा। तो लाइट रिफ्लेक्शन का पूरा कंसेप्ट समझना है, उसके बाद मिरर का जो कंसेप्ट, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो पूरा पढ़ना है। उसमें फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द मिरर, ये पढ़ना है। फिर जो लॉज उसमें डिफरेंट होते हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का डिटेल में जाना है, बस उस पर सिंपल याद कर लेना है। उसमें जो छोटे कैलकुलेशन आएंगे उसको बस बनाने का आ सकता है, तो वो बनाना है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होंगे, फोकल पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये सारे चीज इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो मिरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम कंसेप्ट रिफ्लेक्शन वाला लाइट में, इसमें लेंस वाला पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, इन्फिनिटी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, तो वो सब चीज इसमें पढ़ना है। साथ साथ इसमें भी लेंस फॉर्मूला को भी देखना है, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आएंगे और ज्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद आ जाता है जो अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड, ये तो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद जो टेंथ चैप्टर हो जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से लेंस लगा के इसको सही किया जा सकता है, और कैसे इसमें फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, वो सब चीज इसमें देखना है। उसके बाद रिफ्रैक्शन का कुछ जो नेचुरल फिनोमेना होता है वो वाला भी इसी पार्ट में हमें पढ़ना है, ठीक है। 10th चैप्टर में ही हमें पढ़ना है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिर उसका प्रिज्म से लाइट अगर गुजरती है तो क्या होता है, ग्लास स्लैब से लाइट अगर गुजरती है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ना है। लेकिन इसमें कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसको एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। तो बाकी सारे फिनोमेना जो डेली लाइफ एप्लीकेशन भी है लाइट का, तो वो सब भी इसमें हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो 10th चैप्टर है वो वाला इसमें हमें पढ़ना है, ओके। अब उसके बाद फिर आ जाता है फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिक करंट वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, 11th चैप्टर, तो वो वाला है। ये इफेक्ट ऑफ करंट वाले थीम के अंदर आता है, हाउ थिंग्स वर्क इफेक्ट ऑफ करंट वाले के अंदर में आ जाता है। तो इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ना है, फिर ओम्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस पढ़ना है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो सब भी हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, पावर, रेसिस्टेंस, एम्पियर, ये सब के बीच में जो क्या रिलेशन होता है वो सब भी हमें पढ़ना है। रेसिस्टेंस में सीरीज रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो वो सब भी इसमें हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है 12th चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो वाला पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होता है, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक, अगर वायर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें जो राइट हैंड थम्स रूल लगता है, तो वो वाला पढ़ना है। फिर फराडे का जो फिल्मिंग्स लॉ होता है, लेफ्ट हैंड थम्स रूल होता है, तो वो वाला कंसेप्ट भी इसमें पढ़ना है। कॉइल, सोलेनोइड, ये सब का कंसेप्ट पढ़ना है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना, अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ना, जैसे कि घर में जो जो करंट हमें सप्लाई होती है तो वो अल्टरनेटिव करंट होती है, जबकि बैटरी से हमें जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या होता है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी करंट क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या सप्लाई होता है, उसमें कैसे कैलकुलेशन बनता है, वो सब चीज इसमें हमें देखना है। फिर एक लास्ट चैप्टर बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट वाला, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, और ये कोई विशेष चैप्टर नहीं है, वो लाइट चैप्टर है। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर कैसे बनता है, ओजोन का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज इसमें देखना है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा चीज नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, वो सब चीज के बारे में इसमें हमें पढ़ना है इस वाले लास्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हमें पूरा 13 का 13 चैप्टर मैंने बता दिया, इसमें इस ढंग से इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, इसमें आ जाता है कि जैसे कि बताया गया जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें 46% आपका आएगा डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद 22% आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट, ठीक है, और 32% आ जाता है फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट,
ठीक है, तो अब ये चीज क्या होता है, तो लंबे लंबे टर्म है, इसका मतलब क्या, जैसे कि डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जिससे 46% आ रहा है, मतलब कि लगभग 50% सिलेबस इसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो जाता है स्टेट हो गया, जिसे बोलते हैं जैसे डायरेक्टली किसी का नाम लिखने का क्वेश्चन आता है, नेम लिखो, लिस्ट बना के दो, फिर आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, ठीक है, डिस्क्राइब करो, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको समराइज करो, आउटलाइन बना दो, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब इसमें रखा गया है 46% में, डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, 46% इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वो हो गया, फिर इलस्ट्रेट करने का, कंसेप्ट बनाने का, एक्सप्लेन करने का, डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन जो आ जाता है कंसेप्ट, तो इस तरह एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाला कंसेप्ट में 22% इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर 32% ये भी 1/3 इसमें कवर कर रहा, फॉर्मुलेट एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट, तो ये वाला मैं इंटरप्रेट, जो एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन आ जाता है लास्ट में केस स्टडी वाला, तो वो वाला क्वेश्चन इसमें आ जाता है। फिर इसमें कंपेयर करने का या कॉन्ट्रास्ट इमेजिन कर एग्जामिन करने का जो क्वेश्चन, इवेल्युएट करने का, डिस्कस करने का जो कंसेप्ट आ जाता है, तो वो सारे चीज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन जो होता है वो सब भी इसी में पार्ट में आ जाएंगे, तो एक तरह से इस तरह का सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह से है, ठीक है। तो ये करके एक बताया कि सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, इस पार्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ओके। अब बात करते हैं कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए सबसे बेस्ट, तो मेरे हिसाब से अगर आपको सबसे बेस्ट पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्लास 10th की, तो उसको ही आप फॉलो करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, तो एनसीईआरटी पब्लिश करता है, सिर्फ उसी बुक को पढ़ो, एक बार नहीं जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो, ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 बार पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको जितना टाइम है आप जितना पढ़ सकते हो उतना बार करो, ठीक है, 5 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितना बार उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उतना ज्यादा आपको मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 100 में 100 लाना भी इसमें इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपका 100 में 100 आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक चीज और है कि अब मैं इसके बाद अगर आप चाहो तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ कि एग्जाम में जब आप बैठो तो एग्जाम में जो 39 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 80 मार्क्स का जो आ रहा है पेपर, उसमें जो 39 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर, वन वर्ड वाले, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तो इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से करके, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही घंटा रहेगा, आप बैठोगे एग्जाम में तो 3 ही घंटा रहेगा, तो इस 3 घंटा को कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि पूरा का पूरा पेपर बन जाए, ठीक है। तो ये चीज अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करके लिखना, तो आप मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।